हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉपी शॉपी। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं होममेड स्ट्रॉबेरी जैम, जो विदाउट प्रिजर्वेटिव है, केमिकल फ्री है और बहुत ही हेल्दी। और ओनली टू इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए। तो इसके लिए मैंने 400 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है। इसे मैंने धो लिया है अच्छे से, देन इसे सुखा लिया और इसके स्किन निकाल देनी है, जो ये ग्रीन पोर्शन है वो। और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर शुगर ली है। तो इस तरह से हमें इसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम इसे चॉप कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने ये सारे चॉप कर लिए हैं। या फिर नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसमें हम डायरेक्ट ये स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। फ्लेम हमें लो रखनी है और हम इसमें तुरंत शुगर ऐड कर लेंगे। अब इसे हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए, हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। देखिए ये किस तरह से अभी शुगर मेल्ट हो रही है और ये स्ट्रॉबेरी भी अपना जूस छोड़ने लगी है। तो इस तरह से हम इसे उबाल आने देंगे और ये जो ऊपर जो झाग आ रहा है उसे हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये किस तरह से गाढ़ा हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है और साइड एड्स क्लीन करने हैं। तो ये रेडी हुआ है कि नहीं देखने के लिए हम एक बाउल में इसके 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे और इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रहने देंगे। देन 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं रेडी। तो इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। देखिए ये ड्रॉप हिल नहीं रही जगह से, यानी कि ये रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रॉबेरी जैम रेडी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसका कलर इस तरह से डार्क हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे 4 to 5 वीक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मार्केट के कंपेयर बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें एक क्रंचीनेस होता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर